अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जच्चा खवातीन के लिए केसीआर किट्स स्कीम का आगाज। वज़ीर आला तेलंगाना ने मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में स्कीम का किया आगाज। मादना पेट इलाके में 14 साल लड़के पर मुकामी अफराद ने हमला करते हुए जख्मी कर दिया। मोतमद अमूमी मंजी सैयद अहमद पाशा खादरी ने हमले की मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। गोपालपुरम पुलिस ने बाइक का सरखा करने वाले एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। दो बाइक से की गई जब्त। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मनसूख शुदा करेंसी के गया किट को किया बेनकाब। 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार। 1,15,00,000 रुपये तंसीख शुदा करेंसी जब्त। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की तीसरी यौम तासीस के मौके पर ऐलान करदा केसीआर किट स्कीम का आज पेटला बुरुज मेटर्निटी हॉस्पिटल से आगाज किया, जबकि इससे कबल वज़ीर आला ने केसीआर किट वेबसाइट का भी आगाज किया। जच्चा खवातीन में केसीआर किट की तकसीम अमल में लाई गई और वज़ीर आला ने पेटला बुरुज जचगी खाने का तफसीली मुआयना किया और दवाखाने के अमले से भी तफसीलात हासिल की। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रिया, रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी, वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी, मंजीसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खातरी के अलावा दवाखाने का अमला इस मौके पर मौजूद था। इस किट में जुमला 16 अशिया फराहम की जा रही हैं। बात रहे कि कबल अज़ीम वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि रियासत की तीसरी यौम तासीस के मौके पर केसीआर किट्स तकसीम की जाएगी ताकि हामिला ख़वातीन को सहूलत हो सके। मादाना पेड़ इलाके में अखिलियती फिरके के दो बच्चों पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक 14 साल लड़का और उसका भाई टिफिन देकर वापस लौट रहे थे कि अखिलियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने उन्हें बिला वजह जदोकोप किया, जबकि लड़का और उसका भाई कुर्ता पैजामा और टोपी पहने हुए थे। फौरी तौर पर जख्मी लड़के को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में मादाना पेट पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। इतला मिलते ही मजलिस रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी दवाखाने उस्मानिया पहुंचे और तफसीलात हासिल करते हुए पुलिस पर जोर दिया कि वह खातियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। वादरे के मुकामी अफराद के मुताबिक पुलिस पिकेट की मौजूदगी में अखिलियती नौजवानों पर यह हमले का वाकया पेश आया। छोनी में एक जनों को टिफिन देते हम लोग, उनको गरीब जनों को देते हम लोग दे दे के वापस आ गए। यहीं से फिर ये पीएस की सामने की रोड से हम लोग घर को नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे जाके आएंगे ना कुछ तो। हम लोग गए, फिर मेरे दोस्त के घर को जाने वाले थे हम लोग, हरमन होटलगंज से लेफ्ट को ले लिया, फिर घर को आ जाएंगे बोल के। तो वो गली में हम लोग आ गए, फिर देखे वहाँ एक कपड़ों की नई दुकान खुली, तो हम लोग गली में आधा आ गए, आके फिर गाड़ी पलटा के गए कपड़ों की दुकान में। कपड़े अपने भी है क्या एजेंट्स के, वो देखने गए हम लोग, देख लिए कपड़े, फिर वापस आ गए। एकदम इतने में भूल गए हम लोग कि गली का वो रोड ब्लॉक है। तो हम लोग आते खत फिर वापस आ गए ना, देख ले के तो दो बच्चे रुका के भैरिया मारे हम लोग को, फट आए वो मारे, मेरे को भी मारे, इनको भी मारे, दोनों को। फिर मैं उतर गया तो
उन लोग क्या समझो, हम लोग एक सो रहे थे वहाँ पर, बूढ़े थे ना वहाँ सो रहे थे, उन कहीं कुछ अड़ कहीं को मारे बोल के हम लोग के ऊपर रिवर्स हो गया, हम लोग को मारे। मेरे को वहाँ एक पतली गली है वहाँ लेके जाके बोलना फटा है वो मारे बोलना, तो वहीं पर है ना गिर गई थी शायद, तो हम लोग को मार दिया। जब दो जने दो बच्चे थे बस, वो बूढ़े सर के आदमी थे, उन्होंने भी मारे मेरे को। हम लोग चले गए ऐनक ले लेके, ऐनक वहीं गिर गई, चले गए हम लोग, मार दिया उलना करके जब दो ही जने थे। फिर मेरे को, फिर मैं दोस्त के घर को क्या ऐसा जाके ऐनक ला लेंगे, जब भी गौर करा मैं ऐनक नहीं है मेरे पास बोल, जाके ऐनक ला लेंगे ना बोल के गली में फिर वापस आए। जब देखो जब दो बच्चे ने पूरे बस्ती के लोग निकल गए थे, जब तो हम लोग हाँ, तो मैं लोग को क्या बोला, मैं ऐनक ले लेकर चला तो ना, वही मार दिया ना, सब कर दिया ना, गलती भी नहीं थी, फिर भी आप लोग मारे बोलते। तो जब और एक दोस्त था मेरे साथ, उनके ऊपर रिवर्स हो गए ना बच्चे, रिवर्स हो गए ना, तो बच्चा क्या बोला, मैं जाके आता हूँ बोल के बोला बच्चा। दो 9:30 से 10 बजे के दरमियान वहीं मेरा भाई आ रहे थे, तो वहाँ पर जो है सो अननोन बच्चे जो थे वो लोग रो के जो है सो मारम पीटी स्टार्ट कर दिए। तो अभी हम लोग जो है सो कुर्ता पैजामा, वो जो है सो पूरी बस्ती नॉन मुस्लिम्स की थी, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी हम लोग को तो पता नहीं, वहाँ से निकल गए। उसके बाद में जो है सो भाई की ऐनक छूट गई थी, वहाँ पर से लाने गए थे ऐनक, वहाँ पर फिर गए तक जो है सो पूरी ज़्यादा वो पूरी बस्ती के जो है सो लोग बाहर निकले हुए थे, और फिर से जो है सो लोग पूरे पीले के गले के थे, फिर मारे करे तो मेरा पूरा भाई का पूरा फ़ोन टूट गया पूरा। गोपालपुरम पुलिस ने बाइक का सरखा करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए दो केसेस को हल किया। तफसीलात के मुताबिक 19 साल के वरुण कुमार मुतवत्तिन विजयवाड़ा ने गोपालपुरम और तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस था, जिसके दौरान उसने दो बाइक्स उड़ा ली थी, हीरो होंडा CBZ और TVS अपाची बाइक्स जो सरखा की गई थी मुलजिम के कब्जे से बरामद की गई। सर्कल इंस्पेक्टर गोपालपुरम के किरण कुमार की निगरानी में पूरा कार्रवाई अंजाम दी गई। मनसूख शुदा करेंसी के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने दो टोलियों को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने जुमला 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 42 साल शेख खादर वली, 35 साल टी रविशंकर, 35 साल शाहिद शेख, 38 साल फारूक दर्जी और 27 साल शहबाज सैयद शामिल हैं। DCP टास्क फोर्स बी लिम्बा रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 20% कमीशन पर नोटों की तब्दीली का रैकेट चलाया जा रहा था और बावसुख इतला पर कार्रवाई की गई। बाद अजां मुलजमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा सैफाबाद और गांधीनगर पुलिस के हवाले किया गया। टोलियों के कब्जे से 1,15,00,000 रुपए की रकम भी जब्त की गई। सरनगर में वाक़े एक होटल इंतजामिया की तरफ से एक शख्स को जदोकोब किए जाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इंद्रसेन नामी शख्स ने एक होटल से बिरयानी खरीदी, लेकिन जब वो घर गया और उसने बिरयानी का पैकेट खोला तो उसने महसूस किया कि बिरयानी प्लास्टिक के चावल से तैयार की गई है, और जब वो दोबारा होटल पहुंचा और होटल इंतजामिया से सिलसिले में शिकायत की तो उसे बहस व तकरार के बाद जदोकोब किया गया। इंद्रसेन ने कहा कि उसने सिर्फ प्लास्टिक के चावल होने की शिकायत की थी, लेकिन उसे इंतजामिया के साथ मिलकर कई अफराद ने जदोकोब किया। ज़िले वरंगल में भी हनमकुंडा हॉस्पिटल में KCR किट प्रोग्राम का नायब वज़ीर-ए-आला कड़ियम श्रीहरि ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कई ख़वातीन ने ये किट्स तकसीम किए गए। रियासत की तीसरी योम तासीस के मौके पर वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने इस स्कीम का पेटला बुरुज जजगी खाने से आगाज किया, जबकि TRS वज़रा और मुतालिका अराकीन असम्बली ने अपने अपने हलकजात में इस स्कीम का आगाज किया।
रियासत तेलंगाना की तीसरी योम तासीस के मौके पर हुकूमत ने हामिला खवातीन में KCR किट्स की तकसीम का आगाज़ किया है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात में वाक़ हुकूमती जजगी खानों में मुतालिका अराकीन असम्बली ने इस स्कीम का आगाज़ किया। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुशिफा में वाक़ दवाखाना और बेला शाली बंडे में वाक़ दवाखाने में हामिला खवातीन में KCR किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। चार मीनार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में KCR किट की तकसीम अमल में आई। पुराने वली के पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चौरस्ते पर, वहाँ पर भी मरीजों में किट्स तकसीम किए गए। पुराना पुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी तकसीम किए गए और ये मुगलपुरे में सूरजमान हॉस्पिटल में भी यहाँ पर तकसीम किए गए। मेरा KCR किट में 15 आइटम्स है जो जच्चा और बच्चा की से ताल्लुक़ रखते हैं और गरीब लोगों को इससे काफ़ी सहूलत और आराम होगा, गरीबों की मदद होगी। इसके तहत तेलंगाना हुकूमत ने ये किट्स तकसीम करने का इंतज़ाम किया। आज तमाम इलाकों के सरकारी दवाखानों में इसकी तकसीम हुई। चुनाचे आखिरी प्रोग्राम सूरजमान हॉस्पिटल में किया गया। यहाँ के भी कुछ मसाइल थे, वो वक्फियत हासिल की, उन मसाइल को हल करने के लिए तय खून दिया गया है। बहरहाल एक गरीबों के लिए हुकूमत का अच्छा काम है और गरीब लोगों को चाहिए कि इसके इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा उठाएं। अब ये प्रोग्रामों में हमारे साथ पुराने अली में मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल कादरी साहब थे, पुराना पुल पर कॉरपोरेटर राजमोहन थे, यहाँ पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब भी हैं, यहाँ दवाखाने का स्टाफ भी है। हुकूमत के हर अच्छे काम के लिए हम तायद करते हैं और उनकी सिताइश करते हैं। जो काम अच्छा हो रहा है उससे जिससे गरीबों को फ़ायदा होगा, गरीबों को फ़ायदा होने वाले तमाम काम जो सो अच्छे होते हैं, हुकूमत इस काम करके अच्छा काम किया है, इसलिए हम बराबर इसमें हिस्सा लिए। शुक्रिया। कार्टून शो के एक शॉट को कॉपी करने की कोशिश करने वाला एक 12 साला लड़का मौत के मुंह में चला गया। तफसीलात के मुताबिक 12 साला मुद्दू गल्ला जयदीप अपने मकान की छत पर कार्टून शो के एक शॉट को कॉपी करने गया, जिसके दौरान अपने आप पर केरोसिन डालकर जला लिया और बचने की तदबीर करने लगा। फौरी तौर पर जयदीप को 40% झुलसी हुई हालत में दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों से जान भर ना हो सका। जयदीप के वालदेन ने मुश्तबा मौत का एक केस दर्ज करवाया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर TRS हुकूमत ने मौसर तरीके से अमल नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से कर्ज मुआफ़ी पर इख्तियार किए गए मौकफ़ की वजह से किसान नए कर्जों के हसूल से महरूम है। और जयपाल रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि सेक्रेटरीट की आलिशान मौजूदा इमारत होने के बावजूद भी नई इमारत की तामीर की जरूरत नहीं है। 2014 के इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए जयपाल रेड्डी ने किसी हद तक आला खयादत को जिम्मेदार करार दिया। भोलानगर और फसलांसर में एक ही फिरके के दो ग्रुपों में हुए तसादुम के बाद तकरीबन 6 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक दिन कबल हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद में हुए वाक़े के बदले के तौर पर आमिर अल्ताफ और मुज्जू नामी नौजवानों ने 15 अफराद के हमरा भोलेनगर फसलांसर पहुंचते हुए जाबिर इमरान अकरम और दीगर नौजवानों को घर से निकालते हुए तलवारों लोहे की सलाखों से हमला कर दिया। जाबिर इमरान और अकरम को बगर्ज इलाज दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां जाबिर नामी नौजवान की हालत तश्वीशनाक बताई गई है। दीगर 3 जख्मियों को मासा टैंक के एक खानगी हॉस्पिटल शरीक किया गया है। बदराहिस पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है।
नामपली पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल और 3 लाइव राउंड्स जब्त कर लिए। डीसीपी सेंट्रल जोन के मुताबिक 40 साल मुलजिम मोहम्मद फारूक अहमद उर्फ जावेद साकिन अफजल नगर मलकपेट को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद फारूक अहमद कैप्स के जरिए महबूब नगर, करनोल, रायचूर और दीगर इलाकों का सफ़र किया करता था और दौरान सफ़र हथियार की नोक पर वो ड्राइवर्स को लूट लिया करता था। मुलजिम के खिलाफ सैफाबाद, आरजीआई हुमायूं नगर, महबूब नगर, नामपली के अलावा जुबली हिल्स और दीगर पुलिस स्टेशन में केसेस जेरे इल्तवा हैं। కొద్దిగా చాలా భయపడి అక్కడి నుంచి ఏదైతే ఆయన చెప్పాడో అట్లా బిహేవ్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ వారికి వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అప్పటి నుంచి ఒక స్పెషల్ టీమ్ మన ఇన్స్పెక్టర్ నాంపల్లి సంజయ్ తరపులు ఫామ్ చేయడం జరిగింది। ఏసీపీ సైఫాబాద్ సురేందర్ రెడ్డి గారు దాన్ని మానిటర్ చేశారు। ఇన్స్పెక్టర్ నాంపల్లి సంజయ్, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజు, డిటెక్టివ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేందర్, వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఆ టీము దాదాపు వారం రోజు వర్కౌట్ చేసి కర్ణాటక, మన రాష్ట్రంలో చెందిన డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న కర్నూలు జిల్లా, ఈ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లు వెళ్ళి టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసి నిన్న ఆయన్ని మాలక్పేటలో పట్టుకోవడం జరిగింది। ఈ మంచి వర్క్ చేసిన నాంపల్లి టీంని సెంట్రల్ జోన్ తరపు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరపు నుంచి అభినందనాలు తెలియజేస్తున్నాము। అలాగే ఈ నిందితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, గతంలో చాలా కేసెస్లు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు। 2002 నుంచి 2002లో రెండు కేసులు జూబ్లీ హిల్స్ అండ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకెళ్ళి ఉన్నాడు। ఇంకా 2016లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో రెండు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో రెండు మర్డర్ చేసి ఉన్నాడు। ఆ రెండు మర్డర్లు కూడా తుపాకీ యూజ్ చేసి ఫైర్ ఆర్మ్ వాడి చంపి ఉన్నాడు। దాని తర్వాత 5-6 అఫెన్సెస్, సిరీస్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్, ఈ ఎక్స్ట్రాషన్ కానీ వెపన్ చూపించి రాబరీ చేసుకోవడం కానీ చేస్తూ వస్తున్నాడు। ఈయన ఎమో ఏంటంటే, ఏదైనా ప్లేసెస్కి వెళ్తున్న ట్యాక్సీల్ని, కార్ని ఎంగేజ్ చేసుకోవడం, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వాళ్ళని తీసుకెళ్లడం, మధ్యలో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ వెపన్ చూపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కానీ, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ తీసుకొని డ్రా చేస్తున్నది ఆయన। मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर रनसपुरा मोहम्मद मुबीन ने ताड़बन आशूर खाने के अतराफ व अकनाफ के इलाखेजात का पैदल दौरा करते हुए घर घर पहुँच कर मुकामी आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकफियत हासिल की। वाज़ेह है कि मुकामी आवाम ने आलूदा पानी सरबरा होने की शिकायत की थी, जिसके बाद वाटरवर्क्स के अहदेदारों के हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मस्कुरा इलाखेजात का दौरा किया। कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन ने आलूदा पानी की सरबराही से मुतालिक आवाम के मसाइल की भी समाअत की। बाद अज़ां वाटरवर्क्स के अहदेदारों ने तयखुन दिया कि पीने के पानी की लाइन की तब्दीली अमल में लाते हुए इस मसले को हल किया जाएगा। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। और हमारे डीजीएम खादर साहब और मैनेजर बारादरी और विश्वनाथ साहब के साथ पूरा एरिया का दौरा किया गया, जो ताड़बन आशूर खाना, रॉयल मिशन स्कूल के तमाम गलियां फिरकर आवाम से फर्दन मुलाकात की गई और आवाम की शिकायत को सुना गया। और पिछले 12 दिन पहले हम लोगों ने वाटरवर्क्स ऑफिस के ऊपर धरना दिया था, जहाँ पर जीएम साहब हमको ये तयफ़ुन दिया था कि एक हफ्ते के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और जिस बार धरना देने के बाद में काम शुरू हुआ, पोल्यूशन चेक किया गया, थोड़ा आवाम को 2 रोज़ तक पानी सही मिला। उसके बाद फिर जहां पर पोल्यूशन फिर शुरू हो गया, तभी मैं टेलीफोन पे कल रात में जीएम साहब से बातचीत हुई कि इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो जीएम साहब ने कहा कि मैं 11:30-12 बजे तक मैं ताड़बन आऊँगा और आवाम से हम खुद मिल के
عوام کے پرابلم کو سنیں گے کیا ہے اس کا جلد سے جلد مسئلے کا حل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے آ کر پورے ایریے میں ان کو دورہ کروایا گیا اور عوام سے انہوں نے فردن فردن بات چیت کی عوام کی شکایت ایک ہی ہے کہ پانی آدھا گھنٹہ پون گھنٹے تک پورا گندا پانی آ رہا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اس طریقے کیا جو خوددار کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے جو عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو ہم جی ایم صاحب سے ایک ہی مطالبہ کیے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مستقل حل نکالیے تو جی ایم صاحب نے ہم سے وعدہ کیے ہیں کہ یہ جو 20-22 سال پرانی لائن ہے اس کو نکال کر نئی لائن ڈالنے کا وعدہ کیے ہیں اور جب 8 سالہ محمد ایان فرزند محمد رحیم یکم جون سے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ نشیمن نگر بھوائی نگر میں اپنے مکان کے روبرو کھیلتے ہوئے اچانک ایان گمشدہ ہو گیا۔ ایان کی والدہ شبانہ بیگم نے سلسلے میں بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی ہے۔ والدہ کے مطابق ایان اس سے قبل بھی 2 مرتبہ گمشدہ تھا، تاہم وہ لوٹ آیا تھا لیکن اس مرتبہ وہ لاپتہ ہے۔ اگر کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ موبائل نمبرات 9490616534 یا پھر 9052996641 پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ زچہ خواتین کے لیے کے سی آر کٹس اسکیم کا آغاز، وزیراعلی تلنگانہ نے ماڈرن میٹرنٹی ہاسپٹل میں اسکیم کا کیا آغاز۔ مادنا پیٹ علاقے میں 14 سالہ لڑکے پر مقامی افراد نے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے خاتیوں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ گوپال پورم پولیس نے بائک کا سرقہ کرنے والے ایک ملزم کو کیا گرفتار، 2 بائک سے کی گئی ضبط۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس نے منسوخ شدہ کرنسی کے غیا کٹ کو کیا بے نقاب، 5 افراد کو کیا گیا گرفتار، 1,15,00,000 روپیے تنسیق شدہ کرنسی ضبط۔ ناظرین اردو نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو نیوز یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اردو نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔